हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो बैंक के पीओ एग्जाम, एसएससी, रेलवे और भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट पढ़ाया जा रहा है। टॉपिक चल रहा है वर्क एंड टाइम। इसका आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसके पार्ट 1 में हो चुका है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पी एंड क्यू कैन मेक अ वॉल इन 15 and 20 days। तो पी जो है किसी वॉल को बनाता है 15 days में, क्यू बना लेता है 20 days में, while R can destroy the completely build wall in a certain days। ये हमको नहीं पता, जो पी और क्यू, पी बनाता है 15 डेज में उसी वॉल को, क्यू बनाता है उसी वॉल को 20 डेज में, लेकिन आर का काम क्या है कि वो पूरी वॉल को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, और फिर आगे क्या बोला गया, इफ दे ऑल स्टार्ट द वर्क टुगेदर, अगर ये सारे तीनों मिलके एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं, मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर, तो वो उस काम को कर लेते हैं 30 days में। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज आर एलोन कैन डिस्ट्रॉय द कम्प्लीटली बिल्ड वॉल। क्वेश्चन ये पूछा है कि उस बनी हुई वॉल को आर कितने दिनों में गिरा देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इस तरह के क्वेश्चन का तरीका क्या होता है, अब देखिए, सबसे पहले इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, 15, 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 60 हो जाएगा। अब 15 को डिवाइड करिए 60 से तो क्या मिलेगा, 15 4 जा 60, 20 3 जा 60 और 30 2 जा 60। तो ये हमें क्या मिल गई, एफिशिएंसी, ये हमें क्या मिल गई, एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी मिल गई है हमको। और ये हमारा जो 60 है, ये जो हमें 60 मिला है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है 60 टोटल वर्क। अब जो क्वेश्चन गिवन था उससे हमने पी क्यू और इन तीनों की एक साथ पी प्लस क्यू प्लस आर, इनकी एफिशिएंसी निकल गई है और टोटल वर्क निकल गया है, इतनी चीज निकल गई है। निकालना क्या है कि आर उस वॉल को, बनी हुई वॉल को कितने दिन में डिस्ट्रॉय कर लेगा, लेकिन हमें आर की एफिशिएंसी तो पता नहीं है। तो आर की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा पी प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी 2 है, तो इसको लिखिए पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 2। पी की एफिशिएंसी है 4, क्यू की एफिशिएंसी है 3, वैल्यू पुट करिए। तो आर की एफिशिएंसी निकल आई -5। ये निगेटिव साइन क्या बताता है कि वो काम को बर्बाद कर रहा है, काम को बर्बाद कर रहा है, क्यों, बनी हुई वॉल को तोड़ रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, इस माइनस के साइन से ये पता चलता है। तो हमें आर की एफिशिएंसी मिल गई 5, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब निकालना क्या है कि आर कितने दिनों में डिस्ट्रॉय कर लेगा, तो टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, किसकी लेंगे, आर की। टोटल वर्क है हमारा 60, एफिशिएंसी है 5, तो क्या निकल आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12 days। आंसर क्या निकल आया, 12 days। 12 days में आर उस पूरी वॉल को डिस्ट्रॉय कर देगा, गिरा देगा। ठीक है, पी बनाता था 15 दिन में, क्यू बनाता था 20 दिन में, और पी प्लस क्यू प्लस आर मिलके बनाते थे उस वॉल को 30 दिन में, 30 दिन लगते थे, लेकिन वो जो क्यू, वो जो आर है, आर कितने दिनों में डिस्ट्रॉय कर रहा है उस वॉल को, 12 days में। ठीक है, तो ये है तरीका इस तरह की क्वेश्चंस को करने का, कि अगर कोई दो बना रहे हैं या तीन बना रहे हैं, तीसरा या चौथा अगर डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन करिए इसको।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पी एंड क्यू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, पी और क्यू करते हैं कोई काम 10 डेज में, ठीक है, क्यू एंड आर करते हैं उसी काम को मिलके 15 डेज में, और आर एंड पी मिलके उसी काम को करते हैं 20 डेज में, ठीक है। तो जब ये इस तरह से आ जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एलसीएम इनका कितना होगा 16, तो यही क्या होगा इसका टोटल वर्क होगा। इसके बाद आप निकाल लो एफिशिएंसी, कैसे निकलेगी, 10 से 60 को डिवाइड करो 6, 15 को डिवाइड करो 4, 15 से 60 को डिवाइड करो, 20 से 60 को डिवाइड करो 3, तो ये जो आपकी निकली ये क्या निकली, एफिशिएंसी, ये टोटल वर्क आ गया। अब हम आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं, देन पी लीव एंड क्यू एंड आर गो ऑन टूगेदर। अच्छा हाँ, यहां से पढ़िए, यहां तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब पढ़िए, दे ऑल वर्क एट इट फॉर 6 डेज। दे ऑल वर्क, ऑल मतलब कितने लोग हैं, पी है, क्यू है और आर है, तो ये बोला गया है कि दे ऑल वर्क एट इट फॉर 6 डेज, ठीक है। तो उसको करने से पहले, उस चीज को करने से पहले हमें एक चीज और करनी पड़ेगी, आप इन तीनों को ध्यान से देखिए, तो दो बार P है, दो बार Q है और दो बार R है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू ब्रैकेट में P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, टोटल एफिशिएंसी क्या है, क्योंकि हमने इस पूरे को ऐड करा है, 2P प्लस 2Q प्लस 2R, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 6, 4, 10 और 3, 13, ठीक है। तो P प्लस Q प्लस R की वैल्यू आ गई 6.5, ठीक है, तो ये हमको मिल गया। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और, एक चीज हम लोग और कर सकते हैं, यहाँ पे तो हमें एक उसमें दिया हुआ है, पेयर में दिया हुआ है, अगर हम पी क्यू आर की अलग अलग वैल्यूज भी निकाल लें, कि यहाँ पी प्लस क्यू टोटल की मिला के एफिशिएंसी 6 है, क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी 4 है, आर प्लस पी की एफिशिएंसी 3 है, पी प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी 6.5 है, ठीक है। तो अगर हम पी क्यू आर की हमको इसलिए निकालनी पड़ेगी अलग अलग, क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अब देखिए क्वेश्चन जो आगे का सॉल्व होगा, दे ऑल वर्क इट फॉर 6 डेज, दे ऑल वर्क फॉर 6 डेज, अब इसका क्या मतलब है कि पी क्यू आर इन तीनों ने जब एक साथ काम करा, तो एक साथ काम करा तो इनकी एफिशिएंसी तो क्या थी, E है, टाइम दिया हुआ है 6 डेज, ठीक है। तो हमारा क्या निकलेगा, टोटल वर्क निकलेगा एफिशिएंसी, टोटल वर्क हमारा क्या निकलेगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या है 6.5, टाइम क्या है 6, ठीक है, जो नंबर ऑफ डेज दिए हुए इनको मल्टीप्लाई करिए, 6 5 30 0 6 6 36 और 3 39, तो 39 निकल आया हमारा टोटल वर्क P प्लस Q प्लस R के लिए, ठीक है। तो यहां तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देन P लीव एंड Q एंड R गो टुगेदर, P ने क्या किया, 6 दिन के बाद, 6 दिन तक P, Q और R तीनों लोगों ने काम किया, उसके बाद P ने छोड़ दिया उस काम को, अब केवल Q और R कर रहे हैं। तो जब ये टोटल वर्क किसका था, P, Q एंड R के लिए, तो उसके बाद जब P ने छोड़ दिया तो Q एंड R गो ऑन टूगेदर फॉर 4 डेज मोर। अब Q और R के लिए टोटल वर्क निकालिए जब इन दोनों ने काम किया, और कितने दिन तक काम किया, यहां पे फिर से लिखिए एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी क्या है Q और R के लिए, एफिशिएंसी Q प्लस R के लिए एफिशिएंसी कितनी है 4, टाइम कितना दिया हुआ है, कितने दिन तक काम किया 4, तो 16 आ गया। अब टोटल वर्क PQR और टोटल वर्क QR का, तो इस दोनों को आप जब ऐड कर लोगे, 39 और 16 को आपको ऐड करना है, ऐड करोगे तो क्या आएगा, 9 10 11 12 13 14 15 5 और 5 55, आपने 39 को और 16 को ऐड कर लिया, तो कितना टोटल वर्क आ गया,
कितना आ गया टोटल वर्क 55। अब हमको पता है पूरा जो वर्क, अभी ये वर्क आया एक्चुअली टोटल वर्क नहीं, वर्क है। अब टोटल वर्क हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं टोटल वर्क बार बार, क्योंकि ये इन तीनों का टोटल वर्क, फिर जब इन दोनों ने किया तब टोटल वर्क। अब पूरे क्वेश्चन के लिए टोटल वर्क हमारा कितना गिवन था, 60 गिवन था। अब 60 से अगर आपने 55 माइनस कर दिया तो हमें क्या मिला, क्या मिला, 5 मिला। तो अब हमारा कितना काम बचा हुआ है, 5। इस बात को ध्यान रखिएगा, कितना काम बचा हुआ है, 5। If Q then leaves, इसके बाद हुआ क्या, Q और R साथ में कर रहे थे 4 दिन तक, ठीक है। फिर Q ने भी काम को छोड़ दिया, अब बचा कौन, केवल R बचा। जब R बचा, how long will R take to complete the work, मतलब R से, R के लिए पूछा गया है, टाइम पूछा गया है। तो हमें पता है टाइम होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, लेकिन किसके लिए, टोटल वर्क तो हमारा कितना बचा है, 5 ही और करना है टोटल वर्क, और एफिशिएंसी किसकी, आर की एफिशिएंसी। क्या आपको आर की एफिशिएंसी इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी पता है, कहीं भी आपको आर की एफिशिएंसी पता है, नहीं। पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी 6 है, क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी 4 है, आर प्लस पी की एफिशिएंसी 3 है, P प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी 6.5 है। कहीं पे आपको R की एफिशिएंसी पता है, नहीं पता है। तो उसको निकालने के लिए आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है, P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 6.5। अगर आपको R की एफिशिएंसी जाननी है तो P प्लस क्यू की एफिशिएंसी पुट कर दीजिए, P प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 6। तो R की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, 6.5 माइनस क्यू प्लस आर की, ये पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी 6 है, इसको माइनस कर दीजिए। तो क्या निकल आया, एक मिनट, तो क्या निकल आया, 6 जब आपने माइनस करा 6.5 से तो 0.5 निकल आया। तो आर की एफिशिएंसी कितनी है, 0.5। इसको पुट कर दिया, पॉइंट हटाया जीरो लगाया, पॉइंट हटाया तो जीरो लगाया, ठीक है। तो 5 अपॉन 0.5, अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1 और 0, तो क्या निकल आया, 10 days, ठीक है। तो एक बार हम इस क्वेश्चन को फिर से समझा देते हैं, अब देखिए ध्यान से। सबसे पहले P प्लस Q की दिया था कितने दिन में काम करेगा, Q एक काम को, कोई काम है उस काम को करने में P प्लस Q लगाता है 10 days, Q प्लस R को लगते हैं 15 days, R प्लस पी को लगते हैं 20 days। तरीका क्या है, इन तीनों का एलसीएम ले लिया, जो एलसीएम होगा वही उस पूरे क्वेश्चन के लिए टोटल वर्क होगा। अब एफिशिएंसी निकालने के लिए P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और R प्लस पी की निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे 60 को, 6 आ गया, 15 से डिवाइड करिए 60 को, 4 आ गया, 20 से डिवाइड करिए 60 को, 3। तो ये 6 एफिशिएंसी किसकी है, P प्लस क्यू की, ये Q प्लस R की और ये R प्लस P की। यहां तक हो गया। अब हमको, अब इधर लेफ्ट हैंड पे देखिए, ये तीनों को ध्यान से देखिए, 2P प्लस 2Q प्लस 2R, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू इन तीनों एफिशिएंसी को ऐड कर दीजिए तो 13 आ गया, फिर इस 2 से 13 को डिवाइड कर दीजिए 6.5 आ गया। अब R की एफिशिएंसी निकालने के लिए P प्लस Q की एफिशिएंसी, P प्लस Q की एफिशिएंसी 6 है, तो हमने 6.5 में 6 माइनस कर दिया तो R की एफिशिएंसी आ गई 0.5, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है, दे ऑल वर्क एट इट फॉर 6 डेज, जब तीनों मिलके काम करते हैं, तीनों मिलके कितने दिन तक काम करते हैं, 6 दिन तक। तो जब P Q R मिलके काम करते हैं तो P Q R तीनों की एफिशिएंसी चाहिए मिला के, तो वो थी 6.5। तो 6.5 में जब हमने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 6 दिन तक काम किया, तो उसका वर्क निकल आया 39। उसके बाद आगे क्वेश्चन लिखा है, पी क्यू आर पहले 6 दिन तक काम किया, फिर पी ने छोड़ दिया, पी ने छोड़ दिया क्यू और आर को, फिर क्यू और आर ने 4 दिन तक काम किया। तो क्यू और आर ने जब 4 दिन तक काम करा तो टाइम तो 4 दिन हो गया, एफिशियंसी Q और R की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करके 16 आ गया। तो जब PQR ने 6 दिन तक काम किया था,
क्यू और आर ने 4 दिन तक काम किया था, तो दोनों काम को जब आप ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे, तो हमारा वो काम निकल आएगा कि कितना काम कर लिया, 55 उन्होंने काम कर लिया था, 55, और टोटल काम करना कितना था 60, तो मतलब 60 से 55 माइनस कर दोगे तो बचा 5। अब 5 काम करना है अभी, अब वो कौन करेगा, सब तो छोड़ के भाग गए, बचा कौन, आर बचा। हाउ लॉन्ग विल आर टेक टू कंप्लीट द वर्क, अब पूछा गया है कि आर कितना टाइम लेगा उस काम को करने के लिए, 5 काम को करना है आर को, तो आर की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, आर की एफिशिएंसी कितनी है 0.5, तो हमने 5 डिवाइडेड बाय 0.5, इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर 0 लगाएंगे, तो 5 से 50 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 10 डेज। ठीक है, क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।